अब्बास भाई आप आ गए। भाई आपा मैं आ गया, बस कीजिए अब रोइए मत। हम तो मौलवी साहब के चमत्कार के पर्चे पूरे लखनऊ में बंटवाएंगे। आज उन्हीं की वजह से आप हमें मिले हैं। आपा मुझे कोई शाजीन यहाँ लेकर नहीं आया, मैं खुद आया हूँ। जो भी हो, आज आप मौलवी साहब के जादू की वजह से कराची से लखनऊ आए हैं। आप हमारे सामने खड़े हैं। वो तो कह रहे थे हम तो जिंदा क्या मुर्दे को भी बुला लाए, बहुत माने हुए मौलवी हैं। आपा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ढोंगी मौलवी ने न जाने आपको क्या सिखा पढ़ा दिया है जो आप उसकी बातों पे यकीन कर रही हैं। कैसे यकीन ना करूं, माशाल्लाह आप जीते जागते हमारे सामने खड़े हैं, हम आपसे बात कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं। छोड़िए बात, आप अपनी सुनाइए। आपा घर के सब लोग कहाँ हैं? अब्बास भाई आपके जाने के बाद हम आपके लिए कितना तड़पे हैं, हमारे ऊपर क्या गुजरी है, हमारी क्या हालत थी आपको क्या पता। अच्छा भाई ये तो बताइए, आप तो ईरान में थे फिर कराची कैसे पहुंच गए? अब्बू के इंतकाल के बाद मैं अम्मी से मिलने कराची गया था, लेकिन न जाने किसने वहां पे भारत सरकार को एक खत भेजा कि मैं एक भारत का जासूस हूं और पाकिस्तानी हुकूमत ने मुझे वहां पे गिरफ्तार कर लिया। हाय अल्लाह, जो हुआ सो हुआ, आप खड़े क्यों हैं? आप बैठिए, हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं। नहीं आपा, आप खाने को रहने दीजिए। अच्छा भाई हम आपके लिए पानी लाते हैं। आपा लाडले भाई कहीं नजर नहीं आ रहे? अंग्रेजों के नमकहार, उन्हीं के वफादार, कहाँ है? वो दिलावजा जान के कोठे पर बैठे उसकी खिदमत करते रहते हैं, उनको हम सब की फिक्र ही कहाँ है। खैर अब ये सब छोड़िए, आप अभी आए हैं थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर हम आपको सारी बातें बताएंगे। आपके जाने के बाद यहाँ पर बड़े बड़े किस्से और वाकये हुए हैं। आप बैठिए, हम आपके लिए पानी लाते हैं। कितना वक्त हो गया है, नरगिस को गए हुए अभी तक नहीं आई। अम्मी क्या वो खरीदारी करने गई है? हाँ बेटा, वो कहकर तो गई थी कि अमीनाबाद जा रही है, बच्चों के लिए कुछ खरीदारी करनी है। अरे नरगिस बेटा तू कहाँ रह गई थी? क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है? यहाँ बैठो, तू बैठो यहाँ। बेटा बेटा जानती हो कौन आए थे? अब्बास आए थे। हाँ बेटा हमने तो उसे पहचाना ही नहीं। बेटा वही वो जो जब तुम अमीनाबाद जा रही थी तो वो दाढ़ी वाले आदमी थे ना खड़े, वही अब्बास थे। हरगिज उसे तो हम भी नहीं पहचान पाए थे, वो तो जब अम्मी ने हमें उसका नाम बताया कि अब्बास है तब हम उसे जान पाए। उसे तो ये भी पता नहीं था कि चिट्टी साहब का इंतकाल हो चुका है। बहुत दुखी हो गया सुन के, कह रहा था कि हमें तो बहुत सारी बातें करनी थी बड़े अब्बू से, अब हम किससे बातें करेंगे? हमारे बारे में क्या पूछ रहे थे? बेटा पूछ तो रहा था, उसने जाते हुए तुम्हें देखा था और तुम्हें पहचान भी लिया था। नरगिस वो बहुत तकलीफें उठाकर आया है, उसे इस समय आराम की जरूरत है और नरगिस तुम्हारे सहारे की भी। हम समझ सकते हैं उन्होंने कितनी मुसीबतें उठाई होगी परदेश में और हम
हम उन्हें पहचान भी नहीं पाए। न जाने उनके दिल पर क्या गुजर रही होंगी। क्या कहें, उसका तो पूरा हुलिया ही बदल गया था। नरगिस, देखो शादाब के साथ तुम्हारी शादी की जो बात चल रही थी, मैं चाहता हूं कि ये बात तुम अब्बास को बताओ, बजाय इसके कि उसे कहीं और से ये बात मालूम। तुम उसे कहना कि हमें तुम्हारा तलाकनामा मिला, इसलिए हम लोगों ने शादी का फैसला किया। लेकिन जब तुम्हारी शादी होने वाली थी, उसी वक्त पर टेलीग्राम आ गया और हमने ये शादी रोक दी। उसे किसी भी तरह से ये नहीं लगना चाहिए कि हमने कोई गलत काम किया है, उसे कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। नरगिस, जो भी है अब्बास को सब सच सच बता देना, मैं बस यही चाहता हूं। सब बातें सुनकर तो अब्बास को सदमा होगा ही, लेकिन अगर उसे नसीमा ने पहले बता दिया तो वो खफा हो जाएगा। नहीं अम्मी, अब्बास खफा नहीं होंगे, हम अभी अब्बास के पास मिलने जाते हैं। नरगिस बेटा, मान लो अगर अब्बास ने तुमसे सवाल कर लिया कि तुम उस नकली तलाकनामे पे दूसरी शादी करने के लिए राजी कैसे हो गई, तो तुम क्या कहोगी? हम उनसे कह देंगे कि हमने समझ लिया था कि आपने हमसे रिश्ता तोड़ दिया, अब हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं रहा। घर वालों की जिद की वजह से हम अपनी दूसरी शादी करने के लिए राजी हुए। पलट पलट कर देख रहे थे, बार बार आपके बारे में ही सोच रहे थे, तो आपके तलाकनामे के बाद हमारी जिंदगी में तूफान आ गया। किस तरह मुसीबतों के तूफान से हम लड़े हैं। नरगिस, देखो मुझे नहीं लगता है कि अब्बास तुम्हारी किसी भी बात का बुरा मानेगा, वो बहुत समझदार लड़का है, उसने दुनिया देखी है, वो जानता है कि किन हालातों में हमने ये फैसला किया था। देखो नरगिस, ना गलती तुम्हारी है और ना अब्बास खतावार है, बस ये समझो कि हालात ऐसे थे, हालात को ये मंजूर। अहमद, तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, न जाने क्यों हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। अम्मी, अम्मी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? देखिए, अगर अब्बास चाहता तो यहां नरगिस का इंतजार कर सकता था, लेकिन नहीं, वो यहां से उठकर चला गया। अम्मी, हम अब्बास से मिलने जा रहे हैं, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब बच्चों का ख्याल रखिएगा। आपके जाने के बाद इस घर के जो हालात हुए हैं वो हम कैसे बयां करें। हम सब तो इंतजार कर रहे थे कि आबिद भाई आएंगे, खैर खबर लाएंगे, मगर वो आपसे इतना नाराज थे कि आपका नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने तो घर में सबसे कह दिया था कि अब्बास का कोई नाम नहीं लेगा हमारे सामने। ये सुनकर नरगिस को बहुत गुस्सा आया, उसने तो जाकर आबिद भाई का गिरबान पकड़ लिया और बोलने लगी, बताइए हमारे अब्बास ने ऐसी कौन सी खता की है, ऐसा क्या गलत किया है जो आप उसका नाम तक नहीं सुनना चाहते। वो तो भला हो मिश्रा चाचा का कि उन्होंने बीच बचाव किया, आबिद तो अपनी बेटी को गोमती में फेंकने जा रहे थे, वो भी प्रिंसेस शाकरा के कहने पर, क्योंकि शाकरा भाभी ने शर्त रखी थी कि वो शादी तभी करेंगी जब वो अपनी बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ देंगे। वो कहती है कि उन्हें बच्चों से सख्त नफरत है। डायना की बेटी के साथ इतना बुरा सलूक। वो तो भला हो नरगिस का,
कि उसने आबिद भाई से बच्ची को मांग लिया, बोला ये बच्ची हमें दे दो, हम इसकी जिम्मेदारी उठाएंगे। अब दोनों बच्चों की जिम्मेदारी नरगिस के ऊपर है। अच्छी भली नरगिस की जिंदगी चल रही थी, अचानक तलाकनामा आ गया, नरगिस के ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। नरगिस बहुत रोती थी, हमेशा हमसे पूछती थी कि अब्बास ने हमें तलाक क्यों दिया। हम भी क्या करते, उसे बस समझा देते थे कि अब्बास ने गलत किया है। फिर सबने सोचा कि नरगिस इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजारेगी, उसकी शादी करा दी जाए। मुतासो को बुलाया गया और वो आलतू फालतू रिश्ते लेकर आई। आपा, क्या नरगिस ने शादी के लिए हाँ कर दी थी जो मुतासाओं को बुलाना पड़ा? वो तो बहुत कहने पर नरगिस को शादी के लिए राजी किया गया था, उसने जुबान से तो हाँ कर दी थी, मगर हमसे पूछो, दिल से उसने कभी हाँ नहीं किया। जब दिल से नहीं राजी थी तो मना कर देना चाहिए था। मना भी तो करती कैसे, आपका भी तो कोई सहारा आसरा नहीं था। वो तो समझ रही थी कि आपने उसे तलाक दे दिया है। फिर शादाब नाम का एक आदमी आया, उसकी बीवी मर चुकी है, उसकी बच्ची है, उसके लिए नरगिस की शादी की बात की गई। हम शादाब से मिल चुके हैं, बहुत शरीफ इंसान है। जिस दिन शादाब बारात लेकर आया, निकाह हो रहा था, इतने में आपका टेलीग्राम आया। मौलाना दो बार पूछ चुके थे, तीसरी बार पूछने वाले थे कि आबिद भाई दौड़ते हुए आए और बोले ये शादी नहीं हो सकती। तभी अहमद भाई ने फैसला किया कि जब तक अब्बास नहीं आ जाते, हम लोग किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। मुसीबत टूट पड़ी जिसकी वजह से आपका हुलिया ही बदल गया, और हमारी बदकिस्मती तो देखो, हम अपने अब्बास को पहचान भी नहीं पाए। मुझे आपा ने सब कुछ बताया है नरगिस, मेरी मुसीबतें तो कुछ भी नहीं तुम्हारे गम के आगे। आप ये बताइए कि आपको कैद की सजा किस खता के लिए मिली? आप क्या कहें नरगिस, अब्बू के इंतकाल के बाद मैं अम्मी से मिलने गया और वहां पे न जाने किसने पाकिस्तानी हुकूमत को यह बता दिया कि मैं हिंदुस्तान का जासूस हूं, और वहां की पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मुझ पर न जाने कितने सितम ढाए। हमें अजियतें देते थे, मुझसे जबरन कबूल कराना चाहा कि मैं भारत का जासूस हूं, लेकिन नहीं, मैंने नहीं कबूला और मुझे ताउम्र कैद की सजा दे दी। लेकिन मेरे अच्छे चाल चलन और सबके साथ अच्छा रहने की वजह से न जाने उनके मन में क्या आया और 14 अगस्त को उन्होंने मुझे आजाद कर दिया। Thank you.
सुबह से ही घर से गायब, इंतजार कर कर के मैं थक गई। आप भी ना। उफ। अरे बाहर निकलते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, बातचीत करने में वक्त पता नहीं चलता, अब देर हो गई तो क्या करें। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं कि घर भी वापस आना है। अरे मिशाइन ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। पता है एक बहुत खुशी की खबर है, कितनी देर से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ सुनाने के लिए। अरे बताओ जल्दी बताओ, उसमें भी वक्त लगाती हो तुम। अब्बास पाकिस्तान से वापस आ गया। क्या? अब्बास पाकिस्तान से वापस आ गए? ये खबर तुम हमें इतनी देर से सुना रही हो? क्या अब्बास डिप्टी साहब के घर पर है? मैं अभी मिलने जा रहा हूँ उससे। नहीं नहीं, अब्बास भाभी साहब के यहाँ आया था, मगर थोड़ी देर के बाद नसीमा के यहाँ चला गया। कह रहा था बहुत थका हुआ हूँ और परेशान हूँ। अरे नरगिस से मुलाकात हुई होगी तो नरगिस बहुत खुश हुई होगी, उसका सालों का इंतजार जो था वो अब खत्म हो गया होगा। अरे मिश्रा जी, अब हम आपको क्या बताएं? भाभी साहब का फोन आया था, वो बता रही थी कि अब्बास के सामने से नरगिस गुजर गई, लेकिन फिर भी उसने उसको नहीं पहचाना। अरे नरगिस उसको नहीं पहचान पाई? भाभी साहब ने कहा माफ कीजिए हम आपको नहीं पहचान रहे। तब अब्बास ने कहा मैं अब्बास हूँ। अब्बास की किस्मत में ऊपर वाले ने ना जाने क्या लिखा है, रोजाना मुसीबतें उठाता रहता है। अरे उसके सेहरे के फूल कुमलाने भी नहीं पाए थे कि उसके ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े, उसकी जिंदगी के लाले पड़ गए, उसको जान बचाना मुश्किल हो गई। हाँ हाँ मुझे याद है, जब पुलिस से छिपकर हमारे साथ हमारे गांव वाली कोठी में कुछ दिन रहा था। अब्बास को अपने खानदान, अपने देश और अपने गांव से बहुत प्रेम है। मैंने उसको बहुत समझाया था, मैं ही उसको बंबई लेके गया था। वो कहता था अपराधी मैं हूँ, डरते आप हैं। अरे रस्ते भर पुलिस की आंखों में धूल झोंक के मैं गया था। तो क्या बुरा कहता था? मिश्राइन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, नरगिस सामने से गई, अब्बास ने रोक के उससे बात क्यों नहीं की? अगर बात नहीं की थी तो भाभी साहब के बैठ के इंतजार करना चाहिए था नरगिस का, कहीं नरगिस से वो नाराज तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे तो लगता है वो नरगिस के साथ किसी से भी नाराज नहीं है। वो बेचारा थका हुआ आया था, नसीमा से भी उसको मिलना था, इसीलिए वो नसीमा के यहाँ चला गया। अब मैं क्या बताऊँ, इस वक्त मेरा अब्बास से मिलने का बड़ा मन कर रहा है। मिल लीजिएगा, मगर अभी तो थका हारा आया हुआ है और रात भी काफी हो गई है। हाँ मिशाइन तुम सही कह रही हो, रात तो हो ही गई है। नरगिस तुम खामोश क्यों? अगर मेरा टेलीग्राम कुछ देर बाद आता तो तुम्हारी तो शादी हो चुकी होती। हम शादी करने के लिए राजी नहीं थे, घर वालों के दबाव और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमने ये कदम उठाया। हमारे पास ना तो कोई सहारा था और ना ही कोई आसरा, आपने तो बगैर खता के हमें तलाकनामा भेज दिया। मुझे पता चला नसीमा आपसे, लेकिन नरगिस तुमने कैसे यकीन कर लिया? मैं तुम्हें तलाक देने का कभी सोच भी नहीं सकता। तलाकनामा सामने पड़ा और उस पर आपका नाम लिखा तो ना यकीन मानने वाली बात ही नहीं थी। हाँ लेकिन अहमद भाई और आबिद तो पढ़े लिखे हैं, एक बार तलाक नामे के लिफाफे को देख लेते तो पता चल जाता कि मोहर भारत की ही लगी है। उसी वक्त गलती पकड़ी जाती और पता चल जाता कि तलाक नामा फर्जी है। मान लीजिए अगर हमारी शादी हो जाती तो हम तो आपको मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहते। ये तो अल्लाह का आप लोगों पर बहुत बड़ा करम है जो एम वक्त पर टेलीग्राम आ गया। बीती बातों पे चर्चा क्यों कर रहे हो? ये तो खुशी का वक्त है, हंसो बोलो। आपका तो कई सालों तक खत भी नहीं आया। मैं खत कैसे भेजता नरगिस? मैं वहां बहुत मुसीबत में था, जब तक ईरान में था तब तक तुमको खत भेजता रहा, लेकिन अब्बू के इंतकाल में मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा। वहां अम्मी और मामू जान से मिलकर भारत आ ही रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत ने वहां पे मुझे पकड़ लिया, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया कि मैं एक भारत का जासूस हूं,
न जाने किस किस तरह के मुझ पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। ऐसे हालात में मैं कहां से आपको खत लिखता मिलता। हमें सिर्फ इतना पता है कि किसी ने भारत से हमारे खिलाफ एक खत भेजा था जिसमें लिखा था कि हम भारत के जासूस हैं और उसके साथ हमारी एक तस्वीर भी भेजी। अब ये किसने भेजा और कौन हमसे दुश्मनी निकालना चाह रहा है इसका हमें कोई इल्म नहीं। कोई तो दुश्मन जो हम लोगों को मिलने नहीं देना चाहता। और ये तलाकनामा भी उसी दुश्मन ने भेजा है। यकीनन वो लखनऊ का रहने वाला है। नरगिस की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। एक वक्त ऐसा था कि वो अपनी जिंदगी से बेजार हो गई थी। खुदकुशी करने के लिए गोमती नदी पर पहुंच गई थी। वो तो अच्छा हो पुलिस वालों का कि अहम वक्त पर आकर उन्होंने इसे रोक लिया। वरना आज जो आप नरगिस को जिंदा देख रहे हैं वो कभी नहीं देख पाते। वो आपकी आस और उम्मीद पर जिंदा है। नरगिस, यूं बुजदिलों की तरह खुदकुशी करना अच्छी बात नहीं। अल्लाह के यहाँ पे इसकी माफी नहीं है। क्या करते, जमाने के ताने सुन सुनकर हम परेशान हो गए थे। बात सिर्फ गमों के बोझ उठाने की होती तो हम कब का उठा लेते। मगर हमारी तो जिंदगी ही बोझ बन गई थी, उसे कैसे उठाते। क्यों नरगिस, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारा ख्याल नहीं रखते थे? सबने हमारा बहुत ख्याल रखा है। जब तक अब्बू थे उन्होंने हमसे बहुत मोहब्बत की। अम्मी भी हमारी मोहब्बत में परेशान रहती है। अगर लड़की की शादी नहीं हुई हो तो जिंदगी भर वालदेन के घर पे रहे तो ना लड़की को बुरा लगता है ना समाज को। मगर लड़की शादी के बाद मायके में रहे तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं।